मिशन का पाठ कर लेते हैं बॉडी को, उसके बाद समझ जो मैसेज को समझने की कोशिश कर। सुने सत संतोख ज्ञान, सुने अठ सठ का स्नान, सुने पढ़ पढ़ पावे मान, सुने लागे सहज ध्यान, नानक भक्ता सदा विकास, सुने दूप पाप का नास। सुने असी हर वाली समय दे आ रहे हैं कि ध्यान ध्यान मगन होके एक चित एकाग्र होके किसी चीज वाल अपनी अटेंशन उन्हों जो भी तत्व की गल आ रही है उन्हों अपने अंदर संजोण की गल इन सुनिया जाए जिदे मेरा ध्यान बहुत सारी जो और दुनिया में चलन चले हुए हैं उदे नाल संबंध अपना कमजोर करता है ते संबंध बनाता कि सच का जो पूरा पसारा चल रहा है मेरे आस पास और मेरे अंदर उदे नाल अपनी सांझ बनाता है भावें कितने भी बैठा है कितने भी शामिल है किसी नाल भी गलबात कर रहा है किसी नाल भी सांझ कर रहा है कितने भी बैठा है ये उदे चलन बन जाता है सुनिया वाला कोई भी गल आ रही है इमीजिएटली उहदा फोकस जिहड़ा वे उह कायनात की सिरजना किवें होई हुई है उहदे नाल बन जाता है ते उहदे हिसाब नाल फिर उह समझ आता है कि मेरा इहदे नाल संबंध बनाना ठीक है या नहीं है वरना साडी उंगलां बीत जांदियां ने जिहड़ी गल असीं बचपन च कदी कीती सी देखो जे टीचर पढ़ांदा सी जां पढ़ांदी सी जिहड़े बच्चे की अटेंशन नहीं है उन्हें दुपहरी निकल के या घर पहुंच के टीचर नूं माड़ा सिद्ध कर देना कि उन्हें पढ़ाना ही नहीं आता है ना ते यह चलन जिहड़ा वे तां उम्र चलता रहता फिर असी जो वड्डे हो जाते हैं तो क्योंकि साड़ी आदत तो उही रही लेकिन अज असी उन बच्चों नूं कहिंदे आ जे मान लो कोई सियाणी गल कर ही दिंदे ने चलो कुछ तो एक्सपीरियंस लाइफ के होंगे ने जो माँ प्यो या बड़े शेयर करते हैं वो जरूरी ने बच्चे आंसर सुनने लेकिन कई बार बच्चे भी सही गल कह रहे होंगे तो असी अपने उसी अंदाज में जो चलते आते हैं उम्र पास करते आ रहे हैं कि नैगेटिविटी सुनना नहीं है तो असी फिर उत्थे भी अपनी यही कंप्लेंट लैके चलते हैं कि बच्चे सुनते हैं। सो कहने का मतलब यह है कि भाई सही या गलत हमने बैठे गल हो रही थी जो बहुत समा पहले मैं क्लासा लगाता से बच्चों की तो प्रैक्टिकली होता कि भाई कई बार मान लो जिम्मे शराब के लैक्चर उन्होंने सिखाया कुछ तो घर हूँ बच्चा जो वड्डा तो देखता पाया शामी पिता जी आते हैं वो कदम बहुत खुदी होती है सवेरे गुरुद्वारे भी रेगुलर जाते हैं सबू भी कहते हैं गुरुद्वारे मत देख के ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਿਖਾਇਆ ਉਹਨੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਚਨ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦ ਜਿੱਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਦਤ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਮਰ ਇੰਨੀ ਚੱਲਦੀ ਸਾਡੀ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਕਿਤੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੇ ਔਰ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਨੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਨੇ ਗਿਲੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸਮਾਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਸ਼ ਬਕਸ਼ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਖਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੋ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚਾਰ ਪੌੜੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ जे मैं दिलेर होवांगा तां ही इहदे नाल सांझ बन सकती है क्योंकि इहदे वास्ते दिलेरी हिम्मत भी चाहीदी है ज़माने दे चलन तों कई वारी उल्टा भी चलना पैंदा तां इह सुणिया कम आया कम आया समझ सो जदों अज पाशा शुरू कर रहे ने सुणिया सत
संतोष ज्ञान सत सत असी सारे समझते हैं सत्य लवाया सच अटल हमेशा कुछ चरित्रवान मेरे करैक्टर नूं बिल्ड करन वाला उस प्रथाई का वो ही सत सो ए सत की सत्ता सत का राज मैं माणा मैं अपने अंदर क्रिएट कर है ना असी बहुत कोशिश करते हैं मान लो सत्ता वास्ते कोई पोजिशन वास्ते किसी की नौकरी की पोजिशन लैन वास्ते वो अपने बास की कुछ मखनबाजी करता रहता है बजाय दे कि कम ना तरक्की हो सानू यह तरीका समझ आया इसी तरीके नाल अपने किसी समाज में प्रतिष्ठा बनाने वास्ते बहुत चीज़ा जो साडे विच असीं सारे समझते हाँ कि दिखावे मात्र बहुत कुछ किया जाता है लेकिन सत दे विच सत्य दे विच सच दे विच कोई एप्लीकेशन नहीं करता लेकिन प्रतिष्ठा वास्ते इस तरह का चलन चल गया और क्योंकि जमाने ने उन्होंने एक्सेप्ट किया होया है असी भी उसी लैंड चाह असी गरीब की बांह मजलूम की बांह फड़न वास्ते किसी गुमराह किए गए बंदे की बांह फड़न वास्ते तैयार नहीं होते हाँ हाँ जेड़े वड्डे वड्डे हाथ उपर खड़े होते हैं उन्होंने नाल असी खड़े हो सकते हमने असी साहबजाद का आनंद आ रहे हैं उन्होंने सो जस्सी का करैक्टर आउट नंबर कोई नंबर का मैच नहीं है सामने वाले की ताकत का भी मैच नहीं है और कोई पैसा या मसल पावर वो भी कोई मैच नहीं है इतने गिनती दे चार की ने या चार हजार ने उत्थे लखा च लेकिन जज्बा सच अज उन्होंने तो कोई मेरे ख्याल सारी दुनिया भी देख रही है कि जिन्होंने ये जुल्म किए चाहे कितनी भी उन्होंने को सत्ता और ताकत सी झूठ दी कोई नामो निशान नहीं है कोई पूछने वाला नहीं है तो बच्चों गुरु पातशाह असी किवें फुलां की तरह चुके रखे हुआ है साड़ी जुबान ही तब्दील उन्होंने ना लेंगे उन्होंने जो कारनामे उन्होंने करिश्मा उन्होंने किया जज्बा है ना जान तो जानी सी वो तो श्योर से वो गल नहीं हो गई लेकिन जज्बा है कि स्टैंड के नाम स्टैंड सच नाल सच की सत्ता को कमाया अपने सो पातशाह ने जो गल करते ना सुने सत सत के तत्ते भी ओंकड़ मतलब यूनीक एक्सक्लूसिव जो इकलौता है इकलौता कौन है सच है परमात्मा का जो सिस्टम चल रहा है जो रबी किरत चल रही है उसकी गल उसके नाल अपना स्टैंड है सो ये सच की सत्ता अपने अंदर माननी और उसके नाल खड़े होना है सत को कमाना सत को सुनना है ता ही उन्होंने जी पावे जेकर फोकस होके सुने ध्यान पूर्वक उन्होंने अपने अंदर रखिया संजोया सो यह है सच नाल अपने आप को खड़े रखो क्योंकि ये कोई डर नहीं है एह कोई चिंता फिक्र भी नहीं है एह कोई वितकरा भी नहीं है कोई पूछ नहीं चाहिए तुसी एक वैसे विजुअलाइज करके देखो मान लो सत्ता का मतलब हो गया कि राजा किंग है कोई कंट्री का हैड है तो जदों प्रजा उस राज हस्ती खेलती निश्चिंत होके अपने कार विहार जीवन चला रही होगी तो ऑटोमैटिकली समझ आता है कि यह राजा जरा इतने राजा कौन है जी गुरु पातशाह जी वाल इशारा कर रहे हैं वो है मेरा थॉट प्रोसेस मेरा मन मन राजा है ना सो इनू राज करना सिखाया जा तेरी भावनावां किवें डेवलप होनी चाहिए ने किवें तैनू उहदे ते अपने आप नूं टैक्टिकल करना होवे सो उहदे वास्ते पातशाह ये सच की गल कह रहे हैं अपने मन
ਜਾਨਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚੋ, ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਦਿਲ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਕਿਵੇਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵਾਂਗੇ? ਜਦੋਂ ਇਸ ਸੱਚ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਬਿਲਡਅਪ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਲਾਲਚ, ਕੋਈ ਸਵਾਰਥ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਸਤੀ, ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ, ਇਹਦੀ ਇੱਛਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸੰਤੋਖ ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮਦਾ ਜੀ। ਰੱਜਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਬਹਿ ਗਿਆ ਔਰ ਫੱਟੇ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੰਤੋਖ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਦਮ ਤਰੇਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਦਮ ਕਰਨਾ ਕਿੱਥੇ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਲੱਖਾਂ ਤਾਂ ਤਮਾਮ ਤਰੋਣਾ ਕਮਾ, ਲੇਕਿਨ ਸੱਚ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੱਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮਾਈ ਕਰਾਂਗਾ ਨਾ, ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੰਡ ਛਕਣ ਦੀ ਵੀ ਆਦਤ ਹੋਈ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ। ਇਹ ਸੰਤੋਖ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮੇਟ ਕੇ ਉੱਤੇ ਕੁੰਡਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਹੁਣ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਿਦਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੇਕ ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਤੋਖ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵੰਡ ਛੱਡਣਾ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਮਨੀ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਗਾ ਲੈਣੇ ਕੀ ਅਜਗਾਦ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜੇਕਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਸੁਖੈਨ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਵਾਸਤੇ, ਪੂਰੀ ਖਲਕਤ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਏ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਵੇਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਹਿਜ ਨਾਲ, ਸੰਤੋਖ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਏ ਤੋਂ ਬਣੀ ਮੱਛੀ ਹੋਈ ਤਨਕੀ ਕਾਲੀ ਜਾਂ ਹੁਣੇ ਕਰਦਾ ਲੈ ਸਭ ਕੁਛ, ਇਸਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਭਾਵ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਹਿਜੇ ਹੋਏ ਸੋਏ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਹਿਜ ਨਾਲ, ਸੰਤੋਖ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤ ਗਏ। ਫਿਰ ਹੈਗਾ ਗਿਆਨ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਕੱਖੇ ਦੇ ਵੀ ਥੱਲੇ ਔਂਕੜ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਚਨ, ਇਹ ਯੂਨੀਕ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਲਾਸ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੈ ਗਿਆਨ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਨੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਔਂਕੜ, ਉਸ ਇਕਲੌਤੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸੱਚ ਦੇ ਥਰੂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਉਸ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਸ਼ਾਤਰਤਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ, ਉਸ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵੀ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰ ਬੈਠੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆਨ ਦਾ ਯੂਜ ਜਾਂ ਮਿਸਯੂਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆਨ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗਿਆਨ ਸਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਹਾਇਕ, ਮਦਦਗਾਰ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਐਮ ਬੀ ਏ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਐਡਵਾਂਸ ਐਕਚੁਅਲ ਸਾਇੰਸ ਤੱਕ ਲੋਕ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਹਾਈ ਫਾਈ ਮਤਲਬ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦਾ ਟੌਪ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਮਝ ਲਓ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੂਜੇਜ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ ਕੁਛ ਬੱਚੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਕਲ ਇੱਥੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਐਸੇ ਐਸੇ ਸਕੀਮ 'ਚ ਡਿਵਾਈਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਅਤੇ ਉਹ ਸਕੀਮ ਐਸੀ ਡਿਵਾਈਸ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਦਿਸ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੇ ਸੌ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ,
एक्चुअल विच उस स्कीम इंज की जाती है कि जेडे तुहाडे 100 गए है ना वो जे 101 नूं पार करते होंगे तो स्कीम नूं हो गए मतलब जस्ट आपको मैं समझा वास्ते उहदे गल समझाई तो मैं कहता कि पढ़ाई लिखाई इस काम आ रही है और उहनां दी करोड़ां तनखाहां सब वड्डी वड्डी कंपनी जिहड़ियां लोन लैंदियां ने सो ਇਹ ਵੀ ਗਿਆਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਣਿਆ ਸਤ ਸਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਸੱਤਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਗਿਆਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ अगली पंक्ति है सुने 68 का इशना हम देखो लफजा नाल जो असी वरतों करते हैं असी पहले भी पढ़ आए लफज इस तरह के शास्त्र सिमरत सब चीजा पढ़ आए असी अज जिहड़ा एक लफज है इहदे विच होगा 68 उहनूं 68 कहा जाता है सो जो 68 का इशनान 68 तीर्थां का इशनान एक प्रचलित टर्म है माइथोलॉजी की इतिहास और बड़ी एंड फॉलो की जाती है कि भाई जिवें सच का नियम बहुत सारी दुनिया जानती है तो बाद कि जिंदगी विच 68 तीर्थां का इशनान जिहड़ा है वह जरूरी है सारा फोकस किधर ते वे 68 तीर्थां वह 68 तीर्थ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜੇ ਕਰ ਲਓਗੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਾਪ ਦੁਸ਼ਕਰਮ ਦੁਸਾਹਸ ਇਹਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਪਾਪ ਸਾਸਕਤ ਇਹ ਚਲਨ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਜੰਮ ਵੀ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਸਾਡੇ DNA 'ਚ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸਲਾਮ ਕਰਕੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਫੋਕਸ ਕਿੱਥੇ ਰਿਹਾ 68 ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡੁਬਕੀ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਪਾਪ ਔਰ ਦੁਸ਼ਕਰਮ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਆਪ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਜ਼ ਕਰੋ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਅੱਛਾ ਇਹ ਲੱਭ ਬਾਈ ਸਿਖਾਈ ਗਈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈ ਇਸੀ ਕਰਕੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਸੀ ਕਰਕੇ ਸੱਚ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਉਹਦੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਫੋਕਸ ਇੱਥੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 68 ਤੇ ਨਾ ਆਵਾਂਗੇ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਦੁਸ਼ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਚ ਇੱਕ ਤਰੀਕ ਤੇ ਬਣਨਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੋ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ ਸਮਝ ਆ ਕੇ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੀ ਝੁਕਾਅ ਹਮੇਸ਼ਾ ਝੂਠ ਨਾ ਲਏ ਕੂੜ ਨਾ ਲਏ ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੰਨਾ ਅਚੰਭਿਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਲਫਜ਼ਾਂ ਦਾ ਉਹੀ ਲਫਜ਼ ਜੋ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਹਿਨ 'ਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਜੇ ਤੇਰਾ ਸੱਚ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੇਰਾ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਇੱਥੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ ਮਨ ਤਨ ਪਏ ਕਰੋ ਹੁਣ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਆਪਣੀ ਸਿਮਰਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸੰਜੋ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਪ੍ਰਭ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਮਝਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਰਵੋਤਮ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਹਰ ਵਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
मतलब तू पापों और दुष्कर्मों के प्रति अलर्ट हो जा, तेरा हाथ उठन तो पहले ही तेन समझ आ जाएगी कि नहीं ये ज्यादती है। तू किसी का हाथ मारन तो पहले ही समझ जाएगा नहीं ये दुष्कर्म है। किसी की अनपढ़ता का या उसकी घट जानकारी का फायदा उठाने वास्ते, क्योंकि मैं जानता ज्ञानी वड्डा हूं, पहले रुकिया नहीं। सो जे इस पक्षों मेरा मन लगातार नहाता धोता रहता है तो हमेशा ये खिलिया हो साफ सुथरा, कोई बदबू नहीं है। यह नहाना है पंक्तियां बाणी चो आप जी ने सब बहुत आदि ने, मैं सिर्फ रेफरेंस वास्ते कोई कोई गल यूज कर ला वा, लेकिन पूरा फोकस 68 जरा लफज है जरा सू बचपन तो लैके अज तक और असी भी अगे ये कुछ देते जाने आने वाली जनरेशन उस भुलेखे चो कढ़न वास्ते कि जे सुनिया किया कि तेरा इशनान इतने अंदर होगा, तेरा 68 तीर्थ इतने अंदर मौजूद हो जाए, इतने ही हो जाए। 68 गिनती का कोई वो नहीं है मतलब, क्योंकि असी सारे इस गल बहुत बड़ी कृपा समझते हाँ कि पातशाह ने बाणी विच भी और बाकी भी होर जगह पर जिन्हें फलसफे रह गए हैं वो अगर परमात्मा वास्ते कोई उन्होंने डिफाइन करने वास्ते कोई लफज यूज करते हैं तो वह एक ही अनहद लिमिटलैस इनफाइनाइट। सो 68 का बनिया होया नहीं है, कहने जरा तू भुलेखा पाया हो ना वो तेरा इतने है अंदर मौजूद है, कितने जाने की लोड़ वहां तो जाइए जो कि हाँ ना इतने तो मौजूद है। सो इस भुलेखे चो अपने आप को कढ़ना। एक मेरी बेनती होर भी है कि जो अस सारी गल संगत आपस जो सांझ करते हैं तेन भावें अस जिन्हें भी हम गिनती बैठे हुए, लेकिन तुम वर्ड ऑफ माउथ न अपने घर बच्चों डिस्कस करो, अपने मित्रों उत्थे डिस्कस करो, अपने किसी होर जिन्हें भी साढ़े अदारे है जिन्हें भी गारे है उत्थे बैठ के सहज नाल एक दूजे नाल विचार सांझ होनी चाहिए, ताकि यह लफजा का अर्थ जो गुरु पातशाह समझाना चाहते हैं वो अंदाज साढ़े अंदर अज बनना शुरू हो, ताकि आने वाली जनरेशन उदे से गलबात करनगियां सीखनगियां तो वह करैक्टर असं वापस देखा, जरा हर समय सू कंप्लेट गया कि असं की है उसे असी वापसी कर सकते हाँ जो असी हाँ वो सू बनना पातशाह ने सिखाया। सिर्फ इस अंदाज को जो पातशाह का है उन्होंने समझ के उन्होंने वंडन की भी लोड़, सो उस पासों भी सू जो जागरूक तो सुने 68 का इशना सुनिया है पढ़ पढ़ पावे मां पढ़ना। हुण ये आदत साढ़े सब विच इनबिल्ट पढ़न वास्ते किसी को मान लो कोई ये भी कहे ना कि पढ़ाई लिखाई कमजोर है, उसके बावजूद वो जो अपने आस पास देखता वे या देखती है जो भी बच्चा वे या वड्डा वे वो उन्हें पढ़ता है। जिमें हमने गल हुई मैं अपनी क्लास की गल की बच्चे ने साढ़े को एल्कोहल वाले सुन लिया, हूँ वो रोज बच्चा पढ़ता ना घर कि भी शामी पापा ने खोली होगी, तो हूँ जो अवेयर होया बच्चा क्लास सुन गया गुरबाणी क्लास उन्हें पढ़ाया गया उन्हें जाके पापा ने अपने क्वेश्चन कर लिया, ऐसा मतलब बच्चा जिन्होंने असं ऑबजर्व करना कहते हैं हर कोई करता है। एक गल वक्री है कि मान लो वह मैथ च इंट्रस्ट नहीं है, वह आर्ट्स इंट्रस्ट नहीं है, साइंस इंट्रस्ट है, किसी ना किसी तरीके हर कोई पढ़ता दुनिया हूँ। एक तो हो गया कि मैं देख के पढ़ रहा, एक हो गया जो जो असं ग्रो करते हैं असी सामने वाले नहीं पढ़ते, बड़ी जगह सामने सिखाया जाता है कि भी दूजे जज करना दूजे पढ़ना ऑब्जर्व करना ठीक नहीं है कि भी वो ठीक करते हैं गलत करते हैं, है ना।
सुनने बहुत अच्छी लगती है, इंप्रेसिव है। सुनने तो बाद भी कहने बड़ी अच्छी गल है, लेकिन प्रैक्टिकली लाइफ देखो है, मैं हम बोलता ही नहीं हम तो तुम सारे पढ़ रहे हो ते जे मैं बोलता पाया तो मेरी जिद अखा मिली पे ने मेरी भी पढ़ाई चल रही, कोई अलर्ट होके सुन रहा, कोई ध्यान सुन रहा, कोई हो सकता सुस्ती च भी आ गया, सब कुछ एक दिन पढ़ते पे ना। इट नेवर स्टॉप्स, प्रैक्टिकली कभी नहीं रुकता। ईवन मैं तुम मतलब ये चीजा असि सारे ने देखी हुई ने, कर मेरे छोटा जो पोता भी हूँ दो महीने का या तीन महीने का हो गया, तो वो रिस्पोंड करता हूँ जो हस के कोई गल बोलते हैं तो वह भी थोड़ा जहा हसा हुआ चेहरा बना लगा, तो जो ही वो ध्यान हटा के असं इधर उधर गल् करते हैं तो वह एकदम हाथ पैर जोर जोर की मारता अगर ए शुरू हो जाता है। इनबिल्ट क्वालिटी है पढ़ने की और ये कोई बुराई नहीं है। जेकर मैं पढ़ के ये समझा कि मान लो जिमें होया मैं पढ़िया एक बंदे को ते एक तरीका कि मैं कोई बुराई या भैड़ नजर आया, हम देखो जेकर मान प्राप्ति की गल कर रहे हैं पढ़ पढ़ पावे मान, जेकर ये मान वाली अवस्था में मैं हां तो मैं पता की करा, मैं अंदर डिसीजन लवांगा कि इस तरह का भैड़ मैं नहीं करा, चाहे मेरे बोलना च चाहे मेरे व्यवहार च चाहे मेरे किसी भी एक्शन च अगर कोई माण मैं किसी की पढ़ रहा तो तरीका यह वे माण प्राप्ति का कि मैं अपने अंदर यह फैसला कर लव जिथे 68 चीजा का इशनान मैं करना है यस नहीं इंज मैं नहीं करना। देखो गलती साढ़े को सब कल होती है, इंज नहीं होता कि असं बिल्कुल तो नाते हो जाते चाहते, इंज नहीं होगा, किसी मौके पर चढ़क भी जाते हैं। लेकिन हाँ मेरे इतने रेड लाइट आई रुक जाओ है ना, एक्शन गलत लग गया। तो दूजा तरीका जो असी सब ने अपनाया हुआ है वो की है कि जो ही किसी का पैर देखा उन्होंने नशर कर दो, जुलूस कट दो और फिर कशमकश एक दूजे फ्रिक्शन दूरी सम्मान टूट गए की प्राप्त होया माण मिलिया। सो पढ़ पढ़ पावे मान का मतलब है कि मैं पढ़ना तो मेरा रुकेगा नहीं, वो चलेगा इंजे, लेकिन पढ़ के मैं माण वाली अवस्था लेना चाहना या मैं निराजरी वाली अवस्था में जाना चाहता, बेअदब होना चाहता, मैनू उहदे ते इह पातशाह सुनिया वाल फोकस करके जवा रहे कि तू माण की अवस्था उहदे विच मान एंजॉय कर, भैड़ देख के भैड़ को अपना तो ग्रेस। और देखो यह चीजा सब एक दूजे न फिर यह चलदिया ने, जो असी वरतों ही एक दूजे का निरादरी विच करांगे हर चीज तो फिर निरादरी चलन बन जाएगा। तो जे असी सानू किसी से कजन की आदत होगी, किसी की आबरू कजन की आबरू का यही नहीं होता कि भाई किसी औरत की या फीमेल की आबरू की गल हो रही है, आबरू ही होती है कि हाँ असं किसी की खड़े खड़े इज्जत ला देते हैं चाहे वह मेरा कोई भी हो, यह किसी को बेआबरू करन तो असं गुरेज करा अपनी जुबान अपनी अखां अपने एक्शन हर चीज़ को गुरेज करनी आ जाएगी, इतने समझ आ जाएगी कि मैं माण प्राप्त करना है तो वो वास्ते की करना है, मैं इनू थपना आना चाहिए उजागर किन करना है चंगियाई। हाँ वो वास्ते बिशक जिकारे लगाओ जिन्हें लगा सकते अंदर बाद सड़क से गल नहीं होते अंदर जयकारे बजे माण की अवस्था इतने प्राप्त रहेगी जो मैं इस तरीके पढ़ के और फिर मैं राइटली उन्होंने रिस्पोंड कर रिटेलिएट नहीं करा वो आदत घटती जाएगी। सुने
सहज दूजे सिहारी है सहज विच के कहते ने सुनन नाल जेकर मैं सुनन की यह वाली आदत बन जाए मेरी सच नागे लगन लग पैदा सहज विच ध्यान सहज अवस्था पाशा गुरु वाणी च कहते हैं सहज कथा प्रभ की अतमीठी प्रभ अज की समझते हैं प्रभ कोई चीज नहीं है प्रभ है गुणा का वास्ता है उन्होंने प्रभ कहते हैं सो जदों मेरा ध्यान उस गुणा के खजाने वाल लग्या होया तो यह सहज कथा अंदर चलनी शुरू हो जाती मिठास मेरे रोम रोम विचों छलकनी शुरू हो जाती मेरी तकली चो मेरे बोलों चो और यह सिर्फ जुबान की गल नहीं हो रही नीयत नीयत जी वो नेक है नेक नीति के बोल पार आएंगे नेक नीति की नजर बने नेक नीति नाल सुनना आए नेक नीति करके जो भी मेरे अंदर डिवेलप होता वह मैं सहज दिता अंदर टिकाव दिता अंदर ठहराव दिता उथल पुथल नहीं बचती देखो दुनिया बड़े एग्जाम्पल हो सकते हैं एक एग्जाम्पल बड़ा कॉमन जहाँ जो असं सारे देखते हैं एक गर्भवती स्त्री का तुम एग्जाम्पल सोचो जो अस सारे चीज जितने भी दुनिया से इंसान पैदा होने वो मां के पेट नौ महीने गर्भ बिताए सानू उस पीरियड के बारे कुछ नॉलेज नहीं है लेकिन हाँ जो पढ़ाई लिखाई करके जिन्होंने पढ़िया उन्होंने बहुत कुछ नॉलेज है औरत का यह नौ महीने का समा कोई आसान समा भी नहीं है ना फ्रॉम द डे वन टिल डिलीवरी किन्नी तरह के ध्यान रखे जाते हैं अजकल तो बहुत ज्यादा कोई डॉक्टर को सलाह लेनी है कोई होर बड़ियां को जिन्होंने ऑलरेडी प्रेगनेंसी की हुई है उन्होंने बावजूद जो प्रेगनेंट लेडी है वो किन्ने सहज न संतोख न चलती है तुम यू जरा कभी नोट करो वह चलना फिरना वह सोना जागना उसका खाना पीना गलबात करन दा अंदाज फिर अपने आप को कैरी किवें करना है यह सब चीजा तुम अगर सहज अवस्था देख रही हो किसी की मान लो बंदे का स्वभाव चाहे जो मर्जी वो इस पीरियड में देख सकते और ये कुदरत ने ऐसा सिस्टम बनाया कि उस टाइम कंपल्शन हो जाती है और असी यह भी देखा हुआ प्रैक्टिकली कि जेकर किसी के सुभाव बहुत ज्यादा उस टाइम कुछ इस तरह का वापस है अनकंट्रोल तो वो रिजल्ट माड़े भी हो जाते घर में कई बार ऐसा ही हो जाता कि भाई किसी का इमीजिएट कोई ब्रदर कोई माँ प्यो भैन भरा अगर कोई इस तरह का इंसीडेंट आ जाए मिसहैपनिंग कोई हो जाए तो वो केसेस विच अगर सहज यूज होता है तो नुकसान हो जाता है सो इस सहज अवस्था सीखने वास्ते देखो बड़े होर भी एग्जाम्पल होंगे तुहाडे भी सहज कई आ सकते हैं लेकिन यह वाला जो पीरियड हैगा वे इहदे विच अगर तुसी सहज देखना होवे फिजिकली भी और मैंटली भी तो तुसी भावें घर की नूह है भावें घर की धी है या होर भी तुहाडे कोल जानकार है तुसी इहनूं ऑब्जर्व करना देखोगे तो तुहानूं नजर आएगा कि यस ऐ ठीक सहज नूं सीखण दा सो इस तरीके नाल जेकर मेरा ध्यान सहज दे विच हैगा है तो ऑटोमैटिकली जिहड़ा ठहराव है अपने अंदर दा वो बनना शुरू हो जाता है उहदे विच बहुत जल्दी जल्दी काली विच तलखी विच किसे नाल साडा रिएक्शन जिहड़ा वे वो कमजोर होता है वो फायदेमंद है कई बीमारियां तो मेरे बचाव होता है जिन्हें अंदर स्टेल
थोड़ी होता वो, लेकिन उसके स्वभाव की गल हो रही है कि बड़ा ठहराव भोलेपन ईमानदारी और किसी नाल वैर विरोध का अंदर कोई भावना बनाई नहीं है। सो ये सहज की उपज है, ये सहज की देन है। सो सहज विच अपना ध्यान गुजरे हुए रहना जरा वे साढ़े वास्ते एक और माइल स्टोन है जो पातशाह सुनिया की बदौलत सानू हासिल करने वास्ते सिखा रहे। नानक भगतां सदा विकास, ये असी बार बार ये पंक्ति रिपीट हो रही है इस समय की पौड़ी में। सो पातशाह अपने अपने वल मुखातब होकर एक गल कर रहे लास्ट की पंक्ति में कि भगतां जेकर मेरे रोम रोम विच यह प्रवाह सच का चल रहा है। भगत अवस्था असं समझ आए हाँ कि जो ये सच का प्रवाह मेरे दिमाग मेरी बुद्धि तो लैके मेरे मन तक ट्रैवल करता है बाहरों अंदरों, तो यह सारा फिर मेरी पूरी बॉडी को मैं इस तरीके देन देना कि जी मेरी कर्म इंद्रियां ने वह भी इसी अवस्था में काम करते हैं। सो दिस इज कॉल्ड भगत अवस्था, जो सच का प्रभाव मेरे अंदर चल रहा है। सदा विकास, ये हमेशा खिड़े हुए मन की निशानी, कभी भी मुरझाया होया या दबे होया या टैटेरी होया होया नहीं देखो। दुनिया च ऊंच नीच बहुत कुछ होता है, हम साधन जी इस तरह भी नहीं है कि भाई असि हमने पढ़ लिया है तो जेकर यह नहीं हो पाया मेरे को। देखो एक भी अवस्था बन जाती है कि मान लो मैं सुनते आया यह सारी आइडियलिस्टिक गल एकदम ऐ लगता है कि भाई परफेक्शन है, लेकिन उसके बावजूद मिस हो जाता है तो वास्ते अपने अंदर गिल्ट कभी नहीं लिया। यह भी सुनिया का भगत विकास की गल जी है ना, यह भी इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है जो मेरे को कुछ गलत हो गया है, हाँ मैं सुचेत हो जाऊंगा। यह सुनिया का फायदा होगा कि हाँ गलती होगी, उसका निवारण जो मैं उस तो बात कराँगा या कराँगी वह भी बहुत फायदेमंद होगा। जे मान लो मैं कोई गलती कर बैठा अपने बच्चे नाल ही कर बैठा अपने तो छोटे नाल तो मेरे च हिम्मत होनी चाहिए वो को माफी मांगने की, उन्होंने सॉरी कहने की और बेटे अगे तो मैं ध्यान रखा इस तरह ना इन्नी हिम्मत होनी चाहिए बजाय बच्चे साढ़े मुंह तो बोल जाएंगे चलो चाहे ठीक ही बोलिया ने क्यों बोलते हैं सारे सामने बोलते। बच्चे ने सिखाना वो अलग चीज है, उन्हें भी किमें अदम नाल गल करनी है, लेकिन हाँ जे मेरे को सचमुच कोई मिस्टेक हुई किसी भी प्रसाई करनी है तो उसके बारे सचेत हो जाना वो ठीक है, लेकिन अंदर गिल्ट की भावना नहीं पानी क्योंकि असी भुलण अंदर सबको है ना अभुल गुरु करतार, असी गलतियां साढ़े को हो जाए, वी आर नॉट गोइंग टू बी परफेक्ट ऑलवेज। सो इस करके विकास की अवस्था का मतलब यही है कि जो गलती हो गई तो सुचेत हो जाए, यह नहीं कि गलती करके उसे पढ़ते पाने की मैं पूरी अपनी तरह ज्ञान उसे तरह पाया वो ज्ञान का भी फायदा नहीं, मैं गलती करके सुचेत हो जाना चाहिए और उसका निवारण भी जोड़ा है वो ऑन द स्पॉट कर लेना चाहिए ताकि ठंडक बनी रहे और स्टेबिलिटी बनी रहे वो ना मिल सके। सुनिया दुख पाप का नाश, तो सुनिया लफज फिर तो बना आया कि फोकस बनिया होया है मेरा जुड़ाव बनिया होया है, तो दुख असी दुख सोचा समझा हरे तीन बारी समझ आए हैं कि दुख है वह विछोड़ा विछोड़ा काम का ट्रुथ, उस सच तो सच के विधान तो मेरा जो विछोड़ा वे वो दुख की अवस्था है। पाप पाप मतलब उस कूड़ की सोच करके जो मैं कर्म कर जाता वो पाप है, चाहे मेरा स्वार्थ बोलता वो चाहे मेरा हथियाना किसी को बोलता है चाहे किसी को गुमराह करना बोलता है चाहे कोई मौका कुर्सी का फायदा पाता मैंने पूरी सोच जो भी मैं कर्म कर पैदा दुनिया में वो पाप, लेकिन जो सुनिया बनिया हो सुनिया जो
मेरा अटैचमेंट सच नाल है, दूप पाक का